इंडियन पॉलिटिक्स में पैसों का दबदबा चलता है और इसीलिए ज्यादातर पॉलिटिशियंस अमीर भी हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिलहाल पार्लियामेंट में बैठे सबसे अमीर 5 पॉलिटिशियंस के नाम और उनकी संपत्ति। सबसे पहले इस लिस्ट में है अला अयोध्या रेड्डी का नाम, जो YSR कांग्रेस से राज्यसभा सांसद है और रामकी ग्रुप के चेयरमैन भी है। इस कंपनी का रियल एस्टेट में बड़ा बिजनेस है। साल 2020 में दिए गए एफिडेविट के मुताबिक इनकी कुल संपत्ति 2577 करोड़ की थी, जिसमें से 2518 करोड़ रुपए के मूवेबल एसेट्स और 59 करोड़ रुपए की इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक कांग्रेस के MLC कैंडिडेट यूसुफ शरीफ, जिन्होंने एफिडेविट में 1744 करोड़ की नेटवर्थ डिक्लेयर की थी। ये स्क्रैप यानी कबाड़ का बिजनेस करते हैं। इनके मूवेबल एसेट्स 98 करोड़ के और इमूवेबल एसेट 1643 करोड़ के हैं। कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार भी काफी अमीर पॉलिटिशियन हैं और इसी वजह से लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। साल 2023 के कर्नाटक चुनाव के दौरान एफिडेविट में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए की डिक्लेयर की थी, जिसमें से 503 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज भी हैं। लैंड और रिजॉर्ट्स मेंटेन करने वाले DK शिव कुमार कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है। इनके पास मूवेबल एसेट्स 273 करोड़ के और इमूवेबल एसेट्स 1140 करोड़ के हैं। पिछले इलेक्शन में इन्होंने 840 करोड़ के एसेट्स डिक्लेयर किए थे। बॉलीवुड की बिग बी की वाइफ जया बच्चन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। वे 2018 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हुई थी। एफिडेविट में जया बच्चन ने 1001 करोड़ रुपए की एसेट्स नेटवर्थ डिक्लेयर की थी, जिसमें से 105 करोड़ की लाइबिलिटीज भी थी। मूवेबल एसेट्स के नाम पर इनके पास 538 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है इनके पास 462 करोड़ रुपए की। इस लिस्ट में आखिरी नाम है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर और कांग्रेस के वरिष्ठ मेंबर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने पिछले अपनी नॉमिनेशन के दौरान एफिडेविट में 649 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की थी, जिसमें से 574 करोड़ के मूवेबल एसेट्स हैं और 84 करोड़ के इमूवेबल एसेट्स दर्ज हैं। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के 20 से 25 लाख रुपए तक लेते हैं। ये थे इंडिया के रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियंस और उनके नाम और उनकी संपत्ति। अगर आपको भी इसके ऊपर कुछ कहना है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।